एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में भी चुनावी नतीजों के बाद हलचल तेज हो चुकी है। एनडीए की मीटिंग के बाद आज इंडिया गठबंधन के सहयोगी ने भी अहम बैठक की। बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। इसके अलावा गठबंधन की प्रमुख पार्टियों के 33 नेताओं ने मीटिंग में हिस्सा लिया। 2 घंटे तक चली बैठक से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे के बगल में बैठे मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन भी उनके साथ ही बैठे थे। इस कतार में प्रियंका गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के साथ साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी थे। देखा जाए तो गठबंधन के युवा नेताओं ने एक साथ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इनसे दूर बैठे दिखाई दिए। बैठक में उन्हें एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जगह मिली। वो मीटिंग की युवा लॉबी से दूर दिखाई दिए। अब इस तस्वीर को लेकर भी तरह तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। मीटिंग को लेकर TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा। गठबंधन ने तय किया है कि वो भी कि जो भी करेंगे लोकसभा के अंदर करेंगे, लोकसभा के फ्लोर पर लड़ाई लड़ेंगे। समान विचारधारा के दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन संसद में अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा। दिस इज ए मैंडेट इन डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट राइस अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रोनी कैपिटलिज्म एंड ऑल्सो टू सेव डेमोक्रेसी। द इंडिया ब्लॉक will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. अब आपको दिखाते हैं कि क्या इंडिया अलायंस के पास सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है। इंडिया गठबंधन के किस पार्टनर की कितनी सियासी ताकत है, देखिए ध्यान से देखिए। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 37, टीएमसी को 29, डीएमके 22, शिवसेना उद्धव गुट 9, एनसीपी शरद पवार गुट 8, आरजेडी 4, आम आदमी पार्टी 3, सीपीआईएम 4, सीपीआई 2, एमडीएमके 1, वीसीके 2, बीएएपी 1, आरएलटीपी 1, आरएसपी 1, केईसी 1, IUML 3, JMM 3, CPI-ML 2, JKNC 2। अब इन सब का टोटल कर दीजिए। अलायंस में बाकी 6 दल ऐसे हैं जिनको मिलाकर 7 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 234 होता है, जो बहुमत के 272 वाले आंकड़े से 38 सीटें कम है। यानी JDU और TDP भी 28 सीटों के साथ अगर इनके पाले में आते हैं तब भी इन्हें सरकार बनाने के लिए 10 सीटें और चाहिए। अखिलेश इंडिया की मीटिंग में शामिल हुए, उस प्रदेश से आते हैं जिसने लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा चौंकाया। साल 2014 में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 272 पार के लक्ष्य तक पहुंचाया था, और इस बार यूपी ने ही बीजेपी को 272 के जादुई आंकड़ा पार करने से रोक दिया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 43 सीटें जीती, वहीं एनडीए को सिर्फ 36 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी की अकेले 33 सीटें। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को खुद भरोसा नहीं था कि वो इतनी सीटें जीत पाएंगे। इसकी वजह यह भी थी कि संगठन और संसाधन के मामले में यूपी में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में कोई तुलना नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता का यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई तोड़ नहीं था। उनके सामने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी थी जिसे साल 2017 के चुनाव में यूपी की जनता ने बुरी तरह नकार दिया था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लड़कों की उसी जोड़ी का हाल याद दिलाया था। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है।
मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव को बबुआ और राहुल गांधी को राहुल बाबा कहा जाता है। दोनों लोगों को ये नाम भी बीजेपी नहीं दिया। बबुआ यानी अखिलेश 2017 में राहुल बाबा के साथ गठबंधन करके मायूस हुए, तो 2019 में बबुआ और बुआ यानी अखिलेश और मायावती का गठबंधन भी पीएम मोदी की लहर में बह गया। हालांकि जातिगत समीकरण के हिसाब से अखिलेश और मायावती का गठबंधन बहुत मजबूत माना जा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी में अखिलेश और राहुल की फ्लॉप जोड़ी ने इस बार कमाल कर दिया। कमाल जो कि खुद राहुल गांधी ने शब्द का इस्तेमाल किया। चुनाव प्रचार और नतीजों की बारीकी से पड़ताल करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी ने 400 पार का नारा लगा दिया, जो बीजेपी के लिए सेल्फ गोल आत्मघाती दोधारी तलवार साबित हुआ। 400 पार के नारे की वजह से बीजेपी के समर्थक अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए, जबकि इंडिया गठबंधन ने गांव गली तक ये बात प्रचारित कर दी कि बीजेपी 400 पार हुई तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का भी असर दिखा और यह बड़ा फैक्टर था कि आरएलडी के साथ आने के बावजूद मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने संजीव बालियान जो है वो चुनाव हार गए। यूपी की कई सीटों पर बीजेपी के सांसदों के खिलाफ जनता में नाराजगी थी और लोगों ने सांसदों को हराने के लिए वोट किया। इसी वजह से बीजेपी ने जिन 48 सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा उनमें से 28 उम्मीदवार चुनाव हार गए। यूपी में पेपर लीक, शिक्षकों की भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली का मुद्दा युवाओं को बीजेपी से दूर ले गया। यूपी में अपराध रोकने के लिए बुलडोजर चलवाने की रणनीति ने न सिर्फ मुसलमानों को लामबंद किया बल्कि बहुत सी पिछड़ी जातियों के मन में भी डर बैठ गया। चुनाव से ठीक पहले गुजरात से राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा उछला, उसका असर भी यूपी तक पहुंचा। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग तक ये बात फैल गई कि राजपूत बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। इस चर्चा को खारिज करने की कोई ठोस कोशिश बीजेपी के संगठन ने नहीं की। समाजवादी पार्टी के पुराने समीकरण MY यानी मुस्लिम और यादव का इंडिया गठबंधन की ओर जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। BSP ने यूपी में बार बार उम्मीदवार बदले। चुनाव के बीचों बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला, जिससे संदेश गया कि BSP का मकसद सिर्फ इंडिया गठबंधन का वोट काटना है। BSP के पैतरों से मुस्लिम वोटर एकजुट हो गए, जबकि दलित वोटरों का भी एक बड़ा हिस्सा अनप्रेसिडेंटेडली BSP के बजाय इंडिया गठबंधन की ओर चला गया।